से पहले ही अखिलेश के साथ हो गया खेल। सिर्फ एक गलती अखिलेश यादव को पड़ गई भारी और अब इसी गलती पर खेल गए चाणक्य शाह। फैसला के साथ अगर मैं नहीं खड़ा रहूंगा तो कल मैं कहाँ खड़ा रहूंगा, तो मैं तो गड्ढे में गिर जाऊंगा। अब जय श्री राम भी बोलेंगे, समाजवादी पार्टी में बने रहेंगे या सौभाग्य मिल जाए तो कोई बात। अपमान तो हमारा उस समय भी हुआ, हमारा टिकट दिया अखिलेश यादव ने, हमारे हराने का इंतजाम भी कर दिया। कभी मनाने आएंगे तो आप मानेंगे? भाजपा के लगा करके भाजपा की मदद करूंगा, सपा का झंडा लगा करके भाजपा की मदद नहीं करूंगा। अखिलेश यादव मुलायम सिंह हो जाइए, हाँ बुरी वक्त नहीं, अखिलेश यादव कोटा हमें कम शुरू के लिए। अब हम जय श्री राम बोल रहे हैं तो इसे बसपा वाला जीत जाएगा? समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा नाम ही नहीं जानता, 45 साल से राजनीति करता हूँ तो यहाँ हमको भविष्य नहीं दिखाई दिया, तो अभी कोई मैंने कहीं जो पूछे तो क्या भविष्य दिखाई दिया? अखिलेश यादव को भी कोई नहीं पूछेगा, अखिलेश यादव भी हम लोग से ज्यादा दुखी होकर के समाज में घूमने का काम करेगा। जिस उत्तर प्रदेश के बारे में ये कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, उसी उत्तर प्रदेश में बीजेपी मोदी के चेहरे पर लगातार दो बार लोकसभा का चुनाव लड़ी और दोनों ही चुनावों में समाजवादी पार्टी को बुरे तरीके से धूल चटाई। साल 2014 के चुनाव में सपा जहां यूपी की 80 में से 5 सीटें ही जीत पाई, तो वहीं साल 2019 के चुनाव में भी सपा 5 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। और अब साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश कांग्रेस की बैसाखी के सहारे मोदी को हराने का दम भर रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि मोदी को हराने चले अखिलेश यादव से अपने ही नेता नहीं संभल रहे। कुछ दिनों पहले जहां मनोज पांडे ने अखिलेश यादव का साथ छोड़ दिया था, तो वहीं अब एक और खाटी समाजवादी नेता ने अखिलेश यादव का साथ छोड़ दिया है। मैं लड़ता हूं तो ताल ठोक के लड़ता हूं और मदद भी करता हूं तो ताल ठोक के करता हूं और विरोध भी करूंगा तो ताल मैं लड़ता हूं तो ताल ठोक कर लड़ता हूं, मदद करता हूं तो ताल ठोक कर मदद करता हूं और विरोध भी करता हूं तो ताल ठोक कर करता हूं। बागी बलिया की धरती से ताल ठोक कर दहाड़ने वाले ये नेता हैं नारद राय, जो दशकों से समाजवादी पार्टी के लिए बलिया में लड़ाई लड़ते रहे और सपा सरकार में दो बार कैबिनेट मंत्री भी बने। यहाँ तक कि जब साल 2017 में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच सपा पर कब्जे को लेकर जंग चल रही थी, उस वक्त भी नारद राय अपने नेता मुलायम सिंह यादव के साथ खड़े रहे। शायद यही वजह है कि नारद राय अखिलेश की नजर में खटकते रहे। इसीलिए पार्टी छोड़ते वक्त खुद नारद राय ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि बहुत भारी और दुखी मन से समाजवादी पार्टी छोड़ रहा हूँ, 40 साल का साथ आज छोड़ दिया है। अखिलेश यादव ने मुझे बेइज्जत किया, मेरी गलती ये है कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव में से मैंने मुलायम सिंह यादव को चुना था। पिछले 7 सालों से लगातार मुझे बेइज्जत किया गया। 2017 में मेरा टिकट अखिलेश यादव ने काटा, 2022 में टिकट दिया था, लेकिन साथ साथ मेरे हारने का इंतजाम भी किया। 40 साल से समाजवादी पार्टी का झंडा उठाने वाले नारद ने आखिरकार सपा को अलविदा कह दिया और इसकी सबसे बड़ी वजह रही अखिलेश यादव की वो गलती, जब 26 मई को अखिलेश यादव बलिया में चुनाव प्रचार करने गए और बलिया नगर सीट से विधायक रहे नारद राय का नाम ही नहीं लिया, यहाँ तक कि बलिया के लिए किए गए उनके कामों का भी जिक्र नहीं किया गया। मंच पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सनातन पांडे जी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष विधायक संग्राम सिंह यादव जी, संचालन कर रहे पार्टी के संगठन के नेता मिठाई लाल भारती जी, मंच पर उपस्थित नेता प्रतिपक्ष पूर्व में रहे आदरणीय राम गोविंद चौधरी जी, विधायक जयप्रकाश अंचल जी, विधायक मनु अंसारी जी, पूर्व विधायक आदरणीय शिवतुल्ला अंसारी साहब, यहाँ के प्रभारी वीरपाल सिंह यादव जी, अंबिका चौधरी जी, मंच पर उपस्थित श्रीमती मंजू सिंह जी, उमाशंकर पाठक जी, सुशांत यादव। अखिलेश यादव ने माफिया मुख्तार अंसारी के भाई शिकबतुल्ला अंसारी का नाम तो लिया लेकिन नारद राय का नाम भूल गए।
बस यही बात नारद राय को खटक गई और अब इस अपमान से नाराज नारद राय ने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया। कल आप ही लोगों ने हमारी इच्छा शक्ति जगा दिया। अगर आप नहीं कहे होते कि नारद राय मंच पर आपका अपमान हुआ तो शायद मैं भूलना चाहता था। आपने याद दिलाया, जनता के बीच में इस बात को पहुंचाया और जनता के लोगों ने पूरी रात हमको कोसा और कहा कि अब क्या बैठे हो यहाँ, जिस मंच पर राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका नाम भी नहीं लेना चाहता है, आपकी उन योजनाओं को जिसने आपने बलिया में लागू किया, अखिलेश यादव से मैंने लड़ करके, जनेश्वर मिश्रा से तू, चंद्रशेखर विश्वविद्यालय, ट्रामा सेंटर, स्पोर्ट्स कॉलेज, सिवरेज, लोहिया बाजार सहित दर्जनों काम को कराया, क्या अखिलेश यादव नहीं बता सकते थे कि यह नारद राय के कहने पर मैंने किया? नहीं बताया, आपके कहने से सब मैंने याद किया और हमारे लोगों ने स्वतः स्फूर्त, देखे होंगे आप कम से कम 10,000 लोग यहाँ आए, किसी को न साधन दिया है न गाड़ी दिया है, सब लोग अपने गाड़ी करके साधन करके मोहम्मदाबाद जहूराबाद से लेकर के बैरिया तक के आए हैं, सभी जाति के लोग आए हैं। इन लोगों के बीच में मैंने अपना दर्द रखा, इन लोगों का जो फैसला हुआ उस फैसला के साथ अगर मैं नहीं खड़ा रहूँगा तो कल मैं कहाँ खड़ा रहूँगा, तो मैं तो गढ़े में गिर जाऊँगा, इसलिए इनके फैसले के साथ खड़ा हूँ। साल 2022 के यूपी चुनाव में अखिलेश यादव ने नारद राय को बलिया से टिकट दिया तो था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे और इस हार का ठीकरा अखिलेश यादव पर फोड़ते हुए उन्होंने कहा कि 2022 में टिकट दिया था लेकिन साथ साथ मेरे हारने का इंतजाम भी कर दिया था। अपमान तो हमारा उस समय भी हुआ, हमारा टिकट दिया अखिलेश यादव ने, हमारे हराने का इंतजाम भी कर दिया। पहली मर्तबा जब से लोकतंत्र में चुनाव हो रहा है बलिया मुख्यालय पर कोई नेता नहीं आता है, यह पहली घटना थी। अखिलेश जी बलिया नहीं आए थे, अखिलेश जी फेफना में गए थे और मैंने वहाँ कहा था कि कुछ बलिया के लोग साजिश कर रहे हैं उनको हराने का, उन्होंने कहा अरे छोड़िए जनता आपके साथ है, यह नेता का आचरण नहीं है। नेता का आचरण है, नीरज शेखर का चुनाव चल रहा था, कुछ लोगों ने कहा कि नेताजी रमिका चौधरी कुछ ढीले चल रहे हैं और नेताजी सेफ हाउस में ले गए, उन्होंने कहा अमिका चौधरी राजनीति बर्बाद हो जाएगी अगर नीरज शेखर चुनाव हार जाएगा तो। अच्छा लगा अखिलेश यादव, कल घटना हुई आज तक किसी से कुछ कहा, कोई हमारे यहाँ अपना खेद व्यक्त करने आया कि हमसे गलती हुई, चाहे यहाँ का संगठन हो चाहे यहाँ का उम्मीदवार हो, किसी ने अगर हमसे कह दिया होता तो हो सकता था यह फैसला मैं नहीं लेता। मंच पर अपमान झेलने वाले नारद राय पर समाजवादी पार्टी में रहते हुए बीजेपी के मदद के भी आरोप लगे, जिस पर चुप्पी तोड़ते हुए उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि मैं सपा का झंडा लगाकर बीजेपी की मदद नहीं करूंगा, बीजेपी का झंडा लगाकर बीजेपी की मदद करूंगा। तो शिवपाल सिंह जी अगर हमको सुबह फोन किए रहते और कहते कि नारद तुम्हारे साथ अन्याय है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, हो सकता था यह फैसला नहीं लेता। मैं अपने लोगों से आग्रह करता कि हमने माफ कर दिया, अभी माफ कर दीजिए। शिवपाल सिंह यह बात कह सकते हैं, सनातन पांडे यह बात नहीं कह सकते हैं। सनातन पांडे साहब ने क्यों नहीं पूछा, क्या कहा? यह बात तो सनातन पांडे को कहना चाहिए, सनातन पांडे ने और यहाँ के जिला अध्यक्ष ने साजिश किया, जो भाजपा के एजेंट है पहले से। तो मैं सपा का झंडा लगा के भाजपा की मदद नहीं करूंगा, मैं भाजपा का लगा करके भाजपा की मदद करूंगा, सपा का झंडा लगा करके भाजपा की मदद नहीं करूंगा। अरे देखिए अभी तो लड़ाई है आगे और लड़ाई है। अखिलेश यादव से नारद राय इस कदर नाराज नजर आए कि बहती नाक का उदाहरण देते हुए भोजपुरी अंदाज में यहाँ तक कह दिया था, अब अखिलेश यादव मुलायम सिंह हो जाएंगे, वो तो पोटा है, कभी बह जाएंगे कभी ऊपर खींच लेंगे। अखिलेश यादव मुलायम सिंह हो जाइए, हे बुरी बकत लाही, अखिलेश यादव पोटा है मैं, अब वो बह जाए यहाँ कब शुरू के लिए हन, हे बुरी बकत। नीरज आपके आने से नीरज शेखर को जिताने की अपील कर रहे हैं आपके मदद का? अब हम जय श्री राम बोल रहे हैं तो इसे का बसपा वाला जीत जाए क्या? सर भाजपा में आपने आपको अपनी राजनीति कहां दे? सर एक चीज है भाई, मैं कहां हूं मैं तो पता ही नहीं है। नारद राय समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा नाम ही नहीं जानता, 45 साल से राजनीति करता हूं तो यहां हमको भविष्य नहीं दिखाई दिया,
तो अभी कोई भी ना कोई दोस्तों पूछे तो क्या भविष्य दिखाई पार्टी इतने लंबे समय से समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं, आपका मुलायम सिंह से रिश्ता रहा है, मिश्र आपको इस पार्टी में शामिल भी करा, उनके समाजवादी पार्टी जब आप छोड़ रहे हैं किसी तरह का अफसोस सर इतने सालों बाद? बहुत अफसोस होगा, लेकिन जिसका बाप नहीं रहता है ना तो परिवार में और राजनीति में कोई पूछने वाला नहीं मिलता है। देख लीजिएगा आजकल परसों अखिलेश यादव को भी कोई नहीं पूछेगा, अखिलेश यादव भी हम लोग से ज्यादा दुखी होकर के समाज में घूमने का काम करेगा। अखिलेश यादव ने चुनावी मंच पर नारद राय को सम्मान नहीं दिया और अब इसी से आहत नारद राय इस कदर भड़क गए कि 24 घंटे के अंदर ही सपा का साथ छोड़ दिया और 27 मई को ही बनारस जाकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी कराए, जहां योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर की मौजूदगी में उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद ही नारद राय मोदी के परिवार का हिस्सा हो गए। सपा छोड़कर बीजेपी में आए नारद राय अब बलिया में सपा उम्मीदवार सनातन पांडे नहीं बल्कि बीजेपी उम्मीदवार नीरज शेखर को चुनाव जिताने का काम करेंगे। यानी अब तक बलिया में मजबूत नजर आने वाली सपा मोदी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के दाव से अचानक कमजोर नजर आने लगी, जिस पर पत्रकार मनीष पांडे ने लिखा, कल सुबह तक बलिया में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लड़ाई जबरदस्त थी, लेकिन ऐसा लगता था कि गठबंधन बड़ी आसानी से बीजेपी के प्रत्याशी को पटकनी दे देगा, लेकिन बस एक छोटी सी गलती ने बलिया का माहौल बदल दिया। दरअसल कल तक जो नारद राय समाजवादी पार्टी के साथ थे अब वो भाजपा खेमे में जा पहुंचे। बनारस में भाजपा के थिंक टैंक अमित शाह के साथ एक मुलाकात नारद राय जी की हुई और बलिया का चुनाव और ज्यादा दिलचस्प हो गया। सामने वाले की एक छोटी सी गलती पर उसे दबोच लेने की जो कला हमारे गृह मंत्री में है वो मैंने अभी तक अपने कैरियर में किसी अन्य राजनेता में नहीं देखा। बलिया में भी खेला हो गया। बलिया समाजवादियों का गढ़ माना जाता है, यहाँ की लोकसभा सीट पर ज्यादातर समाजवादियों का ही कब्जा रहा है। दिग्गज समाजवादी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर यहाँ से एक दो बार नहीं बल्कि 8 बार चुनाव जीत चुके हैं, जबकि उनके बेटे नीरज शेखर भी 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन साल 2014 से ये सीट बीजेपी के पास है। 2014 में यहाँ बीजेपी नेता भारत सिंह ने जीत हासिल की थी, जबकि साल 2019 में वीरेंद्र सिंह मस्त यहाँ से सांसद रहे। इस बार बीजेपी ने नीरज शेखर को टिकट देकर मैदान में उतारा तो वही सपा ने सनातन पांडे को टिकट दिया है। ऐसे में सपा और बीजेपी के बीच अब तक कड़ी टक्कर मानी जाती थी, लेकिन नारद राय के बीजेपी में जाने के बाद सपा बलिया में कमजोर नजर आ रही है। वैसे आपको क्या लगता है, बलिया में कौन बाजी मारेगा? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं।